नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लगाए गए कुछ प्रतिबंधों की वजह से राज्य का पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि राज्य में हालात पिछले 2-3 माह से पूरी तरह सामान्य हैं, लेकिन घाटी में हमने पाया कि इंटरनेट पर जब तब लगने वाली पाबंदी एक बड़ा कारण है कि पर्यटक राज्य से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि इंटरनेट और फोन पर समय समय पर पाबंदी सुरक्षा कारणों से लगाई जाती है। इसके अलावा प्रभा साक्षी ने यह भी पाया कि जम्मू कश्मीर के एकदम ठीक हालात का विश्वास देश को दिलाकर पर्यटकों को आकर्षित करने का एक बड़ा अभियान यदि सरकार चलाए तो राज्य के पर्यटन उद्योग में फिर बाहर लौट सकती है। जम्मू कश्मीर देश के उन राज्यों में शुमार है जहां पर्यटन उस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले साल अगस्त में जब राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया गया, उससे ठीक पहले अधिकांश पर्यटकों को राज्य से अचानक चले जाने को कहा गया था। तब हालात अनुकूल नहीं होने की बात कही गई थी, लेकिन अब जब हालात अनुकूल हैं तो इस बात का प्रचार जोर शोर से देश भर में किया जाना चाहिए। कश्मीर बेहद खूबसूरत है, धरती पर मौजूद स्वर्ग है। यहाँ पर्यटकों को आने के लिए प्रोत्साहित करने का एक बड़ा अभियान चलाया जाना समय की मांग है। आप खुद देखिए, जम्मू कश्मीर की डल झील पर मौजूद यह मन भावन हाउस बोट और शिकारे, इन शिकारों पर मौजूद शिकारे वाले पर्यटकों की बाट जो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मोदी सरकार ने हाल ही में राज्य में अपने 36 मंत्रियों को भेजा था ताकि लोगों की जो जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। सरकार को पर्यटन उद्योग की समस्याओं को दूर करने को प्राथमिकता में रखना चाहिए। इसके अलावा टैक्सी चालकों के समक्ष भी बड़ी समस्याएं हैं। मसलन पिछले कुछ महीनों से आमदनी नहीं होने के चलते उनके लिए अपनी गाड़ियों की ईएमआई भरना मुश्किल हो गया है और बैंकों ने इन्हें डिफॉल्टर सूची में डाल दिया है। टैक्सी चालकों को टैक्सी स्टैंड का किराया देने में भी मुश्किलात हो रही हैं। यह लोग सरकार से जल्द राहत चाहते हैं, जिस पर सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं शिकारा और टैक्सी वाले। हमें अब इस चीज़ का डर है कि जो हमारा आने वाला सीज़न है वो भी ख़त्म हो रहा है, वो भी कोई अब ज़्यादा दूर नहीं था। हमारे से तो हमारी एक नई पहचान स्टार्ट हो रही है टूलिप्स की, तो उसमें हमारी बहुत बुकिंग्स आती थी, तो वो भी इस साल ऑलमोस्ट 0% पे। तो आगे का तो फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा है खास कोई इम्प्रूवमेंट होगी। हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, हमारा कुछ आप और कुछ मदद करो, यानी कि कुछ, यानी कि 4-5-7 महीने हमको बैठ के हो गया है। 7 महीने में कितना क्या कमाया हमने? कुछ नहीं कमाया है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है। तो क्या मैसेज करते हो आपको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कुछ हमारे लिए मदद करना चाहिए सबको। तो क्या टूरिस्ट जो हम इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हम टूरिस्ट को मैसेज यही देता, आप आ जाओ, यहाँ कोई परवाह नहीं है। तब से तो इंटरनेट भी बंद है, अब लोग कुछ कुछ आना चाहते हैं, जो हमारी जो पुरानी क्लाइंट्स है वगैरह उनसे बात होती है, लेकिन वो पहला सवाल यही होता है वहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो हालात कहाँ से ठीक है। जब तक इंटरनेट रिस्टोर नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर काम बिल्कुल उठने का सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम तो बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, उसमें बैंक का भी प्रेशर आ रहा है क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है गाड़ियों पर, बैंक का भी प्रेशर है। और दूसरी बात है जो हमारे खर्चे वो भी पूरे नहीं हो रहे, जो हमारे ड्राइवर हजरात थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे 90% हमने उनको निकाल दिया क्योंकि हम खुद नहीं कमा रहे तो उनको कहाँ से देंगे, सैलरी कहाँ से निकलेगी? गाड़ियाँ खड़ी है सारी तो उनको सैलरी भी नहीं निकल सके हमसे। अब वो हमारे ऊपर प्रेशर दूसरा भी आ रहा है, अभी स्कूल खुल रहे हैं, रिसेंटली स्कूल खुल रहे हैं तो उससे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमें जो उनकी फ़ी वगैरह बैलेंस है वो क्लियर करनी है, तभी तो हमारे बच्चों को एंट्री होगी वहाँ। हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं उनका बैंक फाइनेंस है, उसका भी हम पूरा डिफॉल्ट रहे पूरा 7 महीने से। और ये जो हमारा टैक्सी स्टैंड है इसका भी हम रेंट भरते हैं, जो गवर्नमेंट को हम इसका तकरीबन 32,000 महीना हमको देना पड़ता है, तो वो 7 महीने से हम पूरा डिफॉल्ट है, वो रेंट भी नहीं हम भर। अब हमारी उम्मीद गवर्नमेंट से यही है कि हमारे ऊपर, क्योंकि जो हमारा काम भी नहीं चला, हमारा घर भी पूरी तरह से नहीं चल रहा है, तो बैंक या ये स्टैंड तो चला नहीं पाएंगे। अब हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे ऊपर नज़रसानी करें। तो हमारी भी आपसे गुजारिश है कि कश्मीर में अब सब कुछ ठीक है, आप भी आइए कश्मीर की खूबसूरती का नज़ारा लेने। कश्मीर को आगे बढ़ने में सभी भारतीयों का साथ चाहिए।